हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। टुडे वी विल डिस्कस नेबरहुड एंड लिमिटिंग पॉइंट्स पार्ट 5 इन रियल एनालिसिस। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्री एग्जांपल्स विद सॉल्यूशन बेस्ड ऑन डेराइव्ड सेट। डेराइव्ड सेट्स जो है, हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था। नाउ कंसिडर एग्जाम्पल वन। फाइंड द डेराइव्ड सेट ऑफ ऑल सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स। क्यू हमारे पास रेशनल नंबर का सेट है, उसके हमें डेराइव्ड सेट फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन इसका होगा, लेट एनी नंबर एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एवरी नेबरहुड एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन ऑफ द पॉइंट एक्स कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स। इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। एक्स इज ए लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स। दिस इम्प्लाइज एवरी रियल नंबर ऑफ लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सेट क्यू। द डिराइव्ड सेट क्यू, ये जो है हमारा डिराइव्ड सेट बन जाएगा क्यू, दैट मीन्स क्यू डैश इक्वल टू आर। नाउ कम टू एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड है हमारी, फाइंड डेराइव्ड सेट ऑफ दी आई ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट है आई, उसके हमें डेराइव्ड सेट निकालना है। सॉल्यूशन हो जाएगा, लेट एनी नंबर एक्स बिलोंग्स टू आर, इफ एक्स बिलोंग्स टू आई देन नेबरहुड एक्स माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ ऑफ द पॉइंट एक्स डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ आई। इंटीजर पॉइंट इसमें कंटेन नहीं करेगा अदर देन एक्स, एक्स के अलावा। दिस दैट मीन्स एक्स इज नॉट ए लिमिटिंग पॉइंट ऑफ आई ऑफ इंटीजर्स। इफ नाउ इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू आई देन टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल हाफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एन ग्रेटर देन जीरो व्हेन वेयर एन इज एन इंटीजर नियरेस्ट टू एक्स, एक्स के नियरेस्ट इंटीजर है। वी फाइंड दैट द नेबरहुड नेबरहुड फाइंड करेंगे ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन ओपन सेट का ऑफ द पॉइंट एक्स डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ आई। इसके बीच में इंटीजर का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स इज नॉट अ लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सेट आई ऑफ इंटीजर्स। Therefore, we find that there is no limiting point of the set I of integer. Hence, derived set of I is empty set. I dash is empty set. कोई उसका ये derived set नहीं exist करेगा। Example third is show that derived set of an infinite bounded set is bounded. ये आपकी जो एज ए थ्योरम भी है और क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शो दैट डिराइव्ड सेट ऑफ एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। सॉल्यूशन इज, लेट ए बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, लेट एल, एल को हमने इन्फिमम और जी एल भी इसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड यू इज सुप्रीमम इज ए लोअर अपर बाउंड एल यू बी ऑफ ए, ये हम इस शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। लेट ए ग्रेटर देन यू देन फॉर ए पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू हाफ ए माइनस यू। वी हैव ए माइनस एप्सिलॉन इज ए माइनस 1/2 ए माइनस यू विच इज इक्वल टू हाफ ए प्लस यू, इसको हमने 1 कह दिया है। नाउ ए ग्रेटर देन यू, दिस इम्प्लाइज यू ग्रेटर देन ए एंड यू इज़ लेस देन 1/2 यू प्लस ए इज़ लेस देन ए। दिस इम्प्लाइज यू इक्वल ए लेस देन ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए फ्रॉम द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा। नाउ एज यू इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ द सेट ए, यू जो है सेट ए का सुप्रीमम है। सो एक्स लेस देन इक्वल टू यू लेस देन ए माइनस एप्सिलॉन फॉर
all x belongs to A. This implies A minus epsilon A plus epsilon intersection A is phi. A is not a limiting point of A. ये condition है जो कि हमने previous lecture में discuss करी है ये. Where A greater than U, any number, this implies any number greater than U is not a limiting point of A. This implies every limiting point of A dash less than equal to U, या ये कह सकते हैं every element of A dash less than equal to U, इसको हमने second कह दिया है. Similarly, let B less than L, the infimum of A. अब इस condition पर आ जाएंगे, then for a positive number epsilon equal to 1/2 L minus B, where B less than B plus epsilon less than L as above, ये given है, ऊपर से हम इसको ले सकते हैं. Now as L equal to infimum of the set A. Now B plus epsilon less than L less than X for all X belongs to A. This implies B minus epsilon B plus epsilon intersection A equal to phi. This implies B is not a limiting point of A. Limiting point A की जो definition है वहाँ से यह हमारा आएगा, where B less than L. Any number greater than L is not a limiting point of A. This implies every limiting point of A dash greater than equal to L. Now, यहाँ से देखिए ये आएगा हमारा एवरी एलिमेंट ऑफ ए डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एल, इसको हमने थ्री कह दिया. फ्रॉम रिलेशन टू एंड थ्री वी कंक्लूड दैट एल लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए डैश डेराइव्ड सेट. वाई बिलोंग्स टू एल यू क्लोज इंटरवल फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए डैश. हैंस वी हैव ए डैश is subset of LU closed set, that is A dash is bounded. ये bounded set की definition है. Student, आज के lecture में इतना ही. ये तीनों example important हैं, exam में पूछी जाती हैं. तो ये third example थोड़ी सी difficult है, इसको आप दो तीन बार करिए और अपनी book को भी consult करिए तो ये आपको ज़्यादा clear हो जाएगा. अगर कोई difficulty है तो मुझे comment box में comment करके लिखिए. और इन questions का जो PDF link है वो description box में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी बुक को भी देख सकते हैं. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.